असलम मैं दिया और आप सबकी बहुत सारी रिक्वेस्ट पे आज फाइनली मैं दे रही हूँ देगी बिरयानी का ट्यूटोरियल ये देगी बिरयानी ऑथेंटिक देगी बिरयानी है जो आपको शादियों में बहुत चटपटी वाली जो मिलती है और ऑथेंटिक मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज माई ब्रदर ओन केटरिंग सर्विस तो आप समझ जाएँ ये कितनी ऑथेंटिक होगी ओके okay, सो so लेट्स गेट स्टार्टड रेसिपी का रेशो हाफ के जी मीट और हाफ के जी राइस का है आप अपनी तरफ आप रेसिपी डबल भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली तीन मीडियम साइज़ टमाटर लेने हैं आपने छः से सात हरी मिर्च ली थोड़े से पानी के साथ उसको ब्लेंड कर लिया फिर आपने तेल गर्म करना है गोश्त डाला सबित गर्म मसाला डाला आलू डाला और जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ आपने गोश्त की बुनाई कर ली फिर इसमें जाएगा कड़ी पत्ता और ब्लेंडेड मिक्सचर फिर उसके बाद आपने मसाले डालने हैं मसाले डालने के बाद गोश्त को आपने बुनाई कर लेनी है बुनाई करने के बाद इसमें जाएगी तकरीबन हाफ़ कप योगर्ट गई और उसमें आपने डालना है अजीना मोतो अजीना मोतो ना हो तो आप चिकन पाउडर डालें उसके बाद आपने जो है चिकन को गलने और पकने के लिए रख देना ढक के फिर उसके बाद आ जाए हरे मसाले के हरे मसाले में आपके पास जाएगी धनिया पुदीना है कड़ी पत्ता हरी मिर्च और आलू बुखारे टमाटर और आ, फ्राइड अनियन मतलब तली हुई प्याज मसाला तैयार कर लिया अब आप इसमें एक और हमारे पास मसाला जाएगा दही दही लिया आपने ये गया गरम मसाला पिसा हुआ गरम मसाला ज़ीरा भुना पिसा और चाट मसाला इसके बाद इसमें जाएगा ज़ाफ़रान का रंग इस मिक्सचर को आपने मिक्स करना है और जो हमारा हरा मसाला है उसमें आपने इसको अच्छी तरह से इनकॉप्रेट कर लेना है ठीक है मिक्स कर लें और इसको आप साइड पे रख दें अब आ गई चावल की ये है बासमती सेला। सेला हमारे पानी गर्म करने साबित गर्म मसाला डाला नमक डाला और पानी उबलने छोड़ दिया उसमें मैंने दो चम्मच तेल भी डाला था भीगे हुए जो आपने चावल डाले गर्म खोलते हुए पानी में मतलब जब उबाल आ जाए और फिर चावल तैयार कर लिए एक कनी छोड़ देना है आपने अच्छा अब एक इसमें जो है सीक्रेट आपका ये होता है कि जो उबलता हुआ पानी था चावल का पकने के बाद उसमें से आपने आधा कप निकाल के उसको आपने साइड रख लेना है चावल बिल्कुल तैयार है अब आ जाए लेयरिंग की तैयारी भुनाई हमारे पास हो गई थी सालन की और ये गया इसमें हरा मसाला जो हमने बना के रखा हुआ था वो मैंने डाला उसके बाद इसमें गया केवड़ा तकरीबन मैंने अंदाज़े से डाल लिया था आप रेसिपी में देख लीजिएगा ठीक है और इसके ऊपर गई चावलों की तह चावल को पूरे आपने तह लगा देने। ये तह लगा देने के बाद जो मैंने चावल का बचा हुआ पानी निकाला था उसमें मैंने जो है घी मेल्ट करके डाला उसको आपने चावलों की तह पे अच्छे से छिड़क देना है छिड़कने के बाद आपने कवर किया उसको तेज़ आँच पे पहले दम पे छोड़ा फिर उसको आपने आँच हल्की करके आप उसको दम पर लगा दें तकरीबन दस मिनट के लिए ठीक है फिर उसके बाद तकरीबन दस मिनट बाद और ये होता है अच्छा वाला दम अच्छा वाला दम आ गया है और ओ, लेंस पे स्टीम आ गई थी तो आपको थोड़ा शायद क्लियर ना दिखे और हमेशा चावल आप जब भी निकालें तो प्लेट यूज़ करें ये तो इस तरह का जो स्पून हो उससे आप निकालें तो आपके चावल टूटते नहीं हैं मैंने जो है देग यूज़ की थी आप किसी भी जो है आम पतीले में बना आई हो आपको रेसिपी क्लियर हो चुकी होगी आप सबके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा आई होप पसंद आ गई हो और मुझे बताइएगा ज़रूर थैंक यू सो वेरी मच